नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो राजस्थान में काफ़ी सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड जो नई आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपने अगर लेटेस्ट वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपकी रोडवेज में जो वैकेंसी आने वाली है 6,432 पदों पर, तो उसके लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और भी बाकी वैकेंसीज के बारे में आप जान पाएंगे, सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएंगे। इसमें हम जानेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, तो आपके कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसमें भी आपके वेरियस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आने वाली है। देखते हैं पूरा आपका जो पूरी खबर क्या है आज की ऑफिशियल न्यूज़ जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि संस्थानों में 55 पद नए सृजित, 33 रिक्त पदों पर भी होगी जल्द भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध जो कृषि विश्वविद्यालय में 88 पदों पर भर्ती शीघ्र की जाएगी। इनमें जो 58 पद है वो शैक्षणिक है तथा 30 पद जो है वो अशैक्षणिक वर्ग के हैं। इन पदों पर भर्ती से प्रतिवर्ष लगभग 2.75 करोड़ जो संभावित खर्च होगा। और इस निर्णय से कृषि संकाय के अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, नागौर, सुमेरपुर और जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ग के 35 और अशैक्षणिक वर्ग के 20 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही शैक्षणिक और अशैक्षणिक वर्ग के क्रमशः 23 और 10 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र, उपकेंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों से विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नियमों के अनुसार सभी रिक्त पदों को भरने तथा नए पदों के सृजित की आवश्यकता थी। गहलोत ने कृषि विश्वविद्यालय के जोधपुर स्थित मुख्यालय था इससे संबंध जोधपुर की कृषि विश्व महाविद्यालय में राज्य आयोजा मद में शैक्षणिक वर्ग के 20 तथा अशैक्षणिक वर्ग के 10 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी। साथ ही सुमेरपुर कृषि महाविद्यालय में शैक्षणिक वर्ग के 8 तथा अशैक्षणिक वर्ग के 6 पद और नागौर कृषि विश्वविद्यालय में क्रमशः 7 और 4 नए पद सृजित होंगे मंजूरी दी है। इन सभी नए पदों पर जो शीघ्र भर्ती के साथ साथ विभिन्न संस्थानों में शैक्षणिक वर्ग के 23 और अशैक्षणिक वर्ग के 10 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी। तो ये आपने ऑफिशियल न्यूज़ देख ली है, बाकी आप ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं जो भी ऑफिशियल न्यूज़ वगैरह है। और बाकी जो भी लेटेस्ट जो भी नए वैकेंसी के बारे में जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनकी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कोई भी क्वेरी होता आप पूछ सकते हैं। बाकी इस तरह की नई अपडेट के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो किसी भी फेक न्यूज़ से ज़रूर बचें, ऐसे आपको ऑफिशियल जो भी लगता है जो न्यूज़पेपर में आपको जाने पहचाने जो आपकी न्यूज़पेपर है वहाँ से अगर आपको जो जानकारी मिलती है वही आप ऑफिशियल माने, बाकी किसी भी सोर्सेज आपको दिखाई देता है तो उसको फेक पर आप विश्वास ना करें। बाकी इसी तरह की जो ऑफिशियल न्यूज़ है जो भी अपकमिंग वैकेंसी के लिए तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें। बाकी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है चैनल पर, तो उन पर भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए।